सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो प्रकार की उपासना के बारे में पढ़ रही थी, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सगुण साकार वाले कौन से हैं आप में? सगुण साकार की उपासना करने वाले कौन कौन है? निर्गुण निराकार वाले कौन कौन से हैं? नीचे करिए। ताऊ जी आप कौन सी वाले में हो? फिर दोनों में हाथ उठा लेते। सगुण साकार वाली करने वालों को क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सगुण साकार वाले बताओ क्या योग्यता होनी चाहिए? उसमें क्यों देख रहे हो? उपासना तो बिना देखे करनी है। कौन सी गीता पूरे दिन साथ रहेगी बिना देखे? बताओ। तीन शर्त बताई थी ना, है जी? उसमें मत देखो, उसमें देखोगे वो उसी में रह जाएगा, फिर देखना पड़ेगा। उससे पहले एक और छूट गया जो सबसे शुरू, मई आवेश्य मन। तो तीन शर्त बताई थी, मन को मुझ में लगा के रखना, ये पहला था। दूसरा था कब तक लगा के रखना, नित्य निरंतर, ये दूसरा। और तीसरा था कैसे लगाना है, श्रद्धा पूर्वक लगाना है। और निर्गुण निराकार वालों के लिए क्या बताया था? उनके लिए भी तीन बताए थे। तो वो तीन कौन से थे बताओ? निर्गुण वाले बताओ। इंद्रिय ग्रामम क्या? संयम में इंद्रिय ग्रामम। उससे पहले एक और भी तो था, चलो आप आगे पीछे बताओ क्या क्या बताए थे। निर्गुण निराकार वालों के लिए इंद्रिय ग्राम को वश में करना, ग्राम मतलब समूह, सारी इंद्रियों को वश में करना पहली शर्त है ये। तो ये अब हमें अपना आकलन करना है कि मेरी कौन कौन सी इंद्रिय तो मेरे वश में है और कौन कौन सी कभी वश में होती है कभी नहीं होती है, और कौन सी ऐसी है जो बिल्कुल ही वश में नहीं है। ऐसे होता है ना व्यक्ति का, कुछ इंद्रियां ऐसी होती है जो पूर्ण रूप से हमारे अनुशासन में है, कुछ ऐसी होती हैं कि कभी कभी अनुशासन में रहती हैं, कभी कभी अनुशासन को नहीं मानती हैं। जैसे मन इंद्रिय तो ऐसा ही है, कभी कहना मानता है कभी नहीं मानता है। और किसी किसी की कोई ऐसी इंद्रिय होती है कि बिल्कुल ही कहना नहीं मानती है। तो ये हर व्यक्ति का अलग होगा और हर व्यक्ति को अपना अलग से विश्लेषण करना चाहिए। और दूसरा क्या बताया था? सर्वत्र समबुद्धय। तो हमारी सब जगह समबुद्धि है या अभी हमारी बुद्धि में भेद है, ये उनको अपना परीक्षण करना है जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं। हम अपने माता पिता गुरुजनों के समान दूसरों के भी माता पिता गुरुजनों का आदर करते हैं या नहीं करते हैं, आग्रह बना हुआ है। हम अपने बेटा बेटी की तरह से दूसरों के बेटा बेटियों को भी प्रीति करते हैं या नहीं करते हैं। अपने परिवार वालों के प्रति हमारी जो कल्याण की प्रेम की भावना है ऐसी दूसरों के प्रति भी है या नहीं है। अपने दोस्तों के प्रति जो मेरी एक हृदय की विशालता है उनको क्षमा कर देता हूँ, सह लेता हूँ, ऐसा दूसरों के प्रति भी है या नहीं है। क्योंकि प्रायः व्यक्ति अपनों के प्रति तो उदार हृदय होता है और दूसरों के प्रति लघुचेता होता है। दूसरों की छोटी छोटी त्रुटि भी कहीं दिख जाए बस एक बार तो फिर उसकी लिस्ट बना के बड़ों के सामने शिकायत लगाते हैं कि देखो वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। और अपने वाले की कहीं दिख जाए तो उसको
छिपाते हैं कि कहीं पता ना लग जाए। माता पिता को अपने बच्चे की कमी का पता लग जाए तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि पड़ोसी को भी पता ना लगे, रिश्तेदारों को भी पता ना लगे। और पड़ोसी वाले बच्चे की कमी का पता लग जाए तो पूरे मोहल्ले में बताते हैं, फिर आपको पता है इनके लड़के ने क्या किया, आपको पता है इनकी बेटी ने क्या किया। ऐसे ही गुरुकुल में भी होता है, अपने सहपाठी ने, अपने मित्र ने अगर कोई त्रुटि कर दी, दोष कर दी, क्लास में नहीं आया तो उसकी हाजिरी भी खुद बोल देता है। एक अलग बात है कि यहाँ हाजिरी का रजिस्टर लेके फिर देखा जाता है, और दूसरा वाला ना आए तो उसका नाम बताया जाता है, आज वो नहीं आया क्योंकि वो आपके कक्ष में सो रहा था, दूसरे वाला, तो आपको बताना है कि वो सो रहा है। तो ये हमें देखना है कि सुबह से शाम तक किन किन के प्रति हम समबुद्धि रखते हैं, जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके प्रति एक करुणा की भावना होती है, एक अपनेपन की भावना होती है, हमें लगता है कि ये हमारे अपने हमें आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग हमें कष्ट देते हैं उनके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, हमें लगता है कि ये किसी तरह से यहाँ गुरुकुल से चले जाएं तो कितना अच्छा हो, ये व्यक्ति ना दिखे तो कितना अच्छा हो। लेकिन वास्तव में हम ये नहीं सोच पाते हैं कि ये दोनों ही आत्माएं अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, उसका वही रोल है इस सृष्टि में, इसका यही रोल है, और कुछ दिन का साथ है दोनों के साथ, मेरा दोनों से कोई शाश्वत संबंध नहीं है, क्या पता मुझे आज ही जाना पड़ जाए तो दोनों यहीं छूट जाएंगे, क्या पता इनमें से किसी को जाना पड़ जाए तो फिर ये भावना मेरी अपनी एक कमजोरी बन जाएगी, और यदि समबुद्धि बना ली तो ये भावना मेरी अपनी एक शक्ति बन जाएगी, इन दोनों को तो यहीं रहना है। तो किसी से भी हमारा शाश्वत संबंध नहीं है, शाश्वत संबंध केवल एक ईश्वर से है, और ईश्वर के नाते फिर सब आत्माओं से ही अपना संबंध है। तो या तो सबसे ही अपना संबंध है या तो किसी से भी अपना संबंध नहीं है, ये दोनों दृष्टि जब रखते हैं ना तो फिर समबुद्धि बनती है। तो एक साथ नहीं आएगी ये समबुद्धि वाली जो स्थिति है हमारी, एक दिन में नहीं आएगी कि गीता पढ़ी और याद हो गया, अभी तो शब्द भी याद नहीं हुए, देखना पड़ता है कि कौन कौन सी तीन शर्तें बताई थी। फिर याद होने के बाद भी शब्द तो याद रहते हैं लेकिन शब्दों का जो अर्थ है, जो शब्दों की आत्मा है, जिस भाव की तरफ ये शब्द इशारा कर रहे हैं, वो चित्त का भाव बनने में फिर कई दिन का वैराग्य और अभ्यास अपेक्षित है, कई दिन अभ्यास करना पड़ता है उसका, कई दिन चीजों के प्रति वैराग्य को उत्पन्न करना पड़ता है, तब वो ज्ञान हमारा बनता है फिर। तो ये दूसरी शर्त थी। तो ये भी हमें देखना है कि कहाँ कहाँ मेरी विषम बुद्धि है, कहाँ कहाँ मेरी सम बुद्धि है। और तीसरी शर्त क्या बताई थी? सर्वभूत हिते रता, सबके हित में जो लगा हुआ है, जो मैं कर्म कर रहा हूं इससे किसी दूसरे को कोई कष्ट ना हो, हानि ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तरह के वो लोग हैं जो हमेशा उनको दूसरे लोग यूज करते हैं जीवन में, उनका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या उपलब्धि होगी, मेरा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, ये उसको नहीं पता। वो कहता है कि मेरा तो काम है सारे गांव के लिए सेवा करना, मेरा काम है परिवार के लिए सेवा करना, सारे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए सेवा करना। दूसरा कहता है नहीं, मेरा तो काम है सारे गाँव के लिए सेवा करना। तीसरा कहता है मेरा काम है सारे समाज के लिए सेवा करना। चौथा कहता है मेरा काम है गुरु के लिए सेवा करना, मेरा काम है राष्ट्र के लिए सेवा करना, और वो करते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ये सारा करके मैं क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या उपलब्धि हो रही है। क्योंकि जिसका अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, उसको फिर लोग उतनी ही वैल्यू देते हैं कि ये व्यक्ति हर समय अवेलेबल है, इसको कभी भी बुला लो। और उसका यूज कैसे होता है? गाड़ी के पांचवें टायर की तरह से होता है, जब जरूरत पड़ी उतार के लगा लो, नहीं है तो फिर तब नहीं पूछेंगे वो आपको।
अगर आप इस भाव में रहते हैं, क्योंकि आपका अपना कोई लक्ष्य नहीं है और आपने अपना ये लक्ष्य तय किया है कि मुझे ये सब मैं कर रहा हूँ, ये शरीर से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चित्त हमेशा कहाँ लगा रहता है? ईश्वर में लगा रहता है। ये सब मैं इनकी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। ये सारे कर्म मेरी साधना के पार्ट हैं। मैं किसी परिवार वालों को, घर वालों को, समाज वालों को खुश करने के लिए, उनसे अप्रूवल लेने के लिए, उनकी वाहवाह लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जिस समय वो लोग आपको नेग्लेक्ट करेंगे, आपको कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने उनकी खुशी के लिए किया ही नहीं था। वो भले ही ऐसा सोचें कि ये हमारे लिए कर रहे हैं, इनको हम जब बुलाते हैं तब ये काम कर देते हैं, तो उनको सोचने दो। लेकिन आपको अंदर से ये स्पष्ट रहे कि मैं सुबह से शाम तक जो कर रहा हूँ वो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, और मेरे माता पिता गुरु भी यदि मुझे कोई आदेश दे रहे हैं तो मैं इनके अंदर भी उस भागवत सत्ता को ही देखते हुए, प्रत्यक्ष देखते हुए, उसी भागवत सत्ता के लिए ही कर रहा हूँ। तो फिर वो ही सारे काम करते हुए ये व्यक्ति एक महान संत बन जाता है, महान योगी बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। और जो इसको लेस करके और फिर हमेशा अवेलेबल होता है, वो व्यक्ति एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति भी नहीं रहता है। क्योंकि जिस दिन फिर वो उसको नहीं बुलाते हैं तो उसको कष्ट होता है, इतने दिन से तुम्हें लगा हुआ था, आज किसी दूसरे को लगा दिया, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, पूछते। ये एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जिनको अपने लिए ही काम करना होता, अपनी खुशी के लिए जीते हैं वो। माने वो जो कुछ कर रहे हैं उससे घर वालों को कितना कष्ट हो रहा है, उससे ऑफिस वालों को, गुरुकुल वालों को, अपने कक्ष में रहने वाले दूसरे भाई बहनों को कितना कष्ट हो रहा है उनको पता ही नहीं है। दिन भर हिंसा करते रहते हैं दूसरे की और खुद अपने आराम से खुश रहते हैं दूसरे, मतलब उनके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। बताया कि भाई कल ना आपको ये काम करके दिखाना है, और वो अपने आराम से सो रहे हैं कल तक, परसों तक भी। और फिर उनसे पूछे, हाँ अभी कर देता हूँ, अभी नहीं किया तो कौन सी आफत आ गई, अब कर देता हूँ। मतलब कोई असर ही नहीं है कि दूसरे का काम बिगड़ रहा है, दूसरे को कष्ट हो रहा है इससे। वो हर संसाधन को प्रयोग करते रहते हैं, और उनसे पूछे कि जी आपके ये करने से मेरे को कष्ट हो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसमें यात्रा करते हैं, आप करेंगे ट्रेन में, बस में, वो सिगरेट पीते रहते हैं, पास वाले को कितनी परेशानी हो रही है उसको कोई लेना देना नहीं है। बोले आपको नहीं सुहाता है तो दूसरी सीट पे बैठ जाओ, दूसरी वाला भी यही कर रहा है। बोले आपको ज्यादा एलर्जी है तो अपनी खुद की गाड़ी खरीद लो। उनको लगता ही नहीं है कि भाई मेरे एक के सुख से बस में बैठे हुए 50 लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं उतर के पी लूंगा, कौन सी आफत आ रही है, कौन से प्राण निकल रहे हैं इसके बिना। तो ऐसी आदत बना ली हमने। ऐसे ही हमारे किसी नियम में, आप व्यायाम में, प्राणायाम में नहीं आते हैं, आपको तो सुख मिल रहा, आप तो सो रहे हैं, लेकिन दूसरे को तो आप कष्ट दे रहे हैं, जिसकी नियम में लाने की ड्यूटी है आप सबको, जो आपके आचार्य हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं। आपको लगता है कि हम तो किसी को कष्ट नहीं दे रहे, हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, हमारी मर्जी, एक दिन व्यायाम नहीं करेंगे हम, तो हानि हमारी है, इनकी क्या हानि। उनको भी कष्ट होता है जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आप कहते हो हम तो पढ़ाई करें या ना करें ये हमारी मर्जी है। आप तो खुश हो पढ़ाई ना करके, लेकिन दूसरे वाले को तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो अपने आचार्य को तो कष्ट दे रहे हैं, गुरु को तो कष्ट दे रहे हैं। आप कहते हैं हमारे माता पिता को क्या कष्ट है, हम ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए, हमारा जीवन अपना बन तो गए, लेकिन जैसा ब्रह्मचारी और सन्यासी होना चाहिए वैसे यदि नहीं बने तो माता पिता को कष्ट होगा, क्योंकि ना तो आपने उनको सुख दिया और ना फिर आपने अच्छे सन्यासी, अच्छे ब्रह्मचारी बन करके समाज राष्ट्र को ही सुख दिया। तो ये अनजाने में होते हैं, ये पाप, पाप है। अगर इधर आकर के तप पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर आप उनसे भी नीचे चले जाएंगे, जो
संसार में रहते हैं ना लोग, वो बहुत तप करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, नौकरी पेशा 8-10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। तो आपकी ड्यूटी यही है कि आप विद्या का अर्जन करें, आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, यही ड्यूटी है। तो यहां पर इन्होंने जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं उनके लिए तीसरी शर्त क्या बताई, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में जो संलग्न है। मेरे को तो सुख मिले लेकिन मेरे साथ साथ दूसरों को भी सुख मिले, जो कर्म मैं करता हूं उससे दूसरों को भी खुशी मिले, मेरे को भी खुशी मिले, ना तो अपने को तंग करना। पहली टाइप जो बताई थी वो क्या करते हैं, अपने को दुखी करते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए जीते 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 अपने भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो खुद सुखे के सुखे रह जाते हैं, फिर वो भी गलत। दूसरे जो हैं वो अपने ही लिए जीते हैं, दूसरों की परवाह ही नहीं करते हैं, वो भी गलत है। तो ठीक क्या है गीता की दृष्टि में, यज्ञ कर्म करना। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने वाले को भी सुख मिलता है और आसपास वालों को भी सुख मिलता है, सुगंध ही मिलती है उनको। तो हमारे सारे कर्म कैसे होने चाहिए, यज्ञ स्वरूप, मुझे भी खुशी देने वाले हों, मुझे भी अच्छा लगे और जो मेरे आसपास रहते हैं उनको भी अच्छा लगे। कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ता है यदि गुरुकुल में, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और जो दूसरे उसको देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अज्ञान के कारण किसी को द्वेष आदि हो जाए वो एक अलग बात, नहीं तो दूसरे को भी अच्छा ही लगेगा, वो उनको कष्ट नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति गृहस्थ में होकर के धन कमाता है, साधन जुटाता है, दान भी देता है, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और जो लोग उसको देख रहे हैं उनको भी उसको देख करके अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। अज्ञान के कारण कभी किसी को द्वेष होगा वो अलग है, लेकिन एक व्यक्ति पढ़ता ही नहीं है, सोता ही रहता है, व्यायाम भी नहीं करता है, विचार भी ठीक से नहीं, वाणी भी ठीक से नहीं, व्यवहार भी ठीक से नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का मन शांत और प्रसन्न होगा या चिड़चिड़ा होगा, दुखी होगा वो खुद, और उसको देख करके दूसरे वाले लोग भी दुखी होंगे कि प्रेरणा लेंगे, देखो ये कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो कुछ उससे अच्छा नहीं मिलेगा। संसार में रहते हुए जो मेहनत नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, आजीविका के लिए कोई साधन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को खुशी मिलेगी कि डिप्रेशन, तो उसको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, और उसको देख देख करके उसके गले मोहल्ले वाले परिवार वाले रिश्तेदार उन सबको भी अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, भाई जब तेरे को कुछ तो कमाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो ये यज्ञीय कर्म की और अयज्ञीय कर्म की पहचान है। तो जो निर्गुण निराकार का जो उपासक है उसके सब कर्म कैसे होने चाहिए, खुद को भी सुख देने वाले, खुशी देने वाले, और दूसरों को भी सुख और खुशी देने वाले यज्ञीय कर्म होने चाहिए। तो अब हमें अपने खुद के जीवन में इन 6 योग्यताओं को पहले देखना है और उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो बाधा है उसको हटाना है और इसमें जो शर्त दी है उसको बढ़ाना है। तो फिर हम सब कर्म करते हुए ही सगुण साकार और निर्गुण निराकार ईश्वर के इन दोनों रूपों के उपासक बन जाते हैं, और जो उपासक होता है उसका सारा योगक्षेम भगवान खुद निर्वहन करते हैं, फिर उसको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 6 कर्म तो कोई भी नहीं करेगा हमारे लिए, ये हमें ही करने हैं। इसलिए ये 6 कर्म करने से हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, हम उच्च चेतना में रहते हैं, दिव्य चेतना में रहते हैं। ये 6 यदि नहीं करते हैं तो हम उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, अप्रसन्न रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, कोई उत्साह की भावना जीवन में नहीं रहेगी। तो अगर हमारे चित्त की स्थिति ऐसी है कमोबेश, तो हमें इन 6 गुणों पे फोकस करना है, और यदि ये हमारी बढ़ती चली जा रही है रोजाना
तो हमें इन छह गुणों को और ज्यादा बढ़ाना है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है गीता वाला जो है। वैसे तो सारे ही शास्त्र प्रैक्टिकल के लिए हैं, कोई भी केवल शब्दों के लिए शास्त्र नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल मुझे किसी दूसरे के जीवन में नहीं करना है। ये ऐसे नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो ये केवल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। फिर आपने पढ़ लिया तो हम जाकर के देश में संगठन में जाके किसी को उपदेश देंगे, उनके लिए है। फिर उन्होंने सुन लिया तो वो कहीं नीचे जाके दूसरों को उपदेश देंगे, उनके। ऐसा नहीं है ये ज्ञान। ये ज्ञान जो पढ़ा रहा है उसके लिए सबसे पहले है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले है, फिर वो खुद ऐसा जी के दूसरे को बताएंगे तो उनके लिए। जहां से भी हमें मिले तो वो सबसे पहले किसके लिए है? मेरे लिए है। चाहे हमें कहीं किसी संत से सुनने को मिले, कहीं पुस्तक में पढ़ने को मिले, कहीं प्रकृति में देख करके कोई ज्ञान हमें समझ में आए, तो वो ज्ञान सबसे पहले किसके लिए है? स्वयं के लिए है, मेरे लिए है वो सबसे पहले, बाद में किसी और के लिए है। ऐसे हर व्यक्ति को सोचना है। अब आगे ये दोनों प्रकार की उपासना बता करके अब भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग बता रहे हैं कि कैसे कैसे भक्ति की जा सकती है। तो बोल लीजिए, श्लोक उच्चारण कर लीजिए। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासीपि समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिं ववाप्सि। तो ये भिन्न भिन्न रास्ते बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि सबके चित्त की एक जैसी बनावट, एक जैसे संस्कार नहीं होते हैं। सब आत्माओं के अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग चित्त की स्थिति है। इसलिए योग दर्शन में भी पांच प्रकार की चित्त की भूमियां बताई, और फिर उसके लिए अलग अलग चित्त की भूमि में स्थित रहने वाली जो आत्माएं हैं उनके लिए अलग अलग फिर साधनाएं बताई, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध से लेकर के फिर यथाभिमत ध्यानाद्वा, वहां तक जो उपाय बताए हैं ना, वो सारे अलग अलग लोगों को अपनाने के लिए कहा है। तो उसमें बहुत सारे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे आप बाजार में जाते हैं, आपको कोई एक कपड़ा सेलेक्ट करना है तो सबकी पसंद अलग अलग है। अगर वहां केवल एक लाल कलर का ही कपड़ा रखें तो वो सबको पसंद नहीं आएगा ना फिर। तो दुकानदार क्या करता है, 10 प्रकार के ऑप्शन दिखाता है, उसमें आप अपनी पसंद का चुन लो। तो ऐसे ही ईश्वर भी हर शास्त्र में, ऋषियों ने भी यही खोज की कि ईश्वर ने हमारे लिए अनंत रास्ते खोल के रखे हैं। आप किसी भी मार्ग से चलें, आप कुछ भी काम करते हैं, आप संसार में किसी भी स्थान पे रहते हैं, इसलिए यहां पर
सामान्य से जूते बनाने वाले लोगों ने भी अपने जूते बनाते बनाते ही उस ब्रह्म को साक्षात कर लिया। यहाँ पर कपड़े बनाने वालों ने अपने कपड़े बनाते बनाते साक्षात्कार कर लिया। यहाँ झाड़ू लगाने वालों ने झाड़ू लगाते लगाते कर लिया। कुछ लोगों ने समाधि लगा करके समाधि में उसको प्राप्त कर लिया। कुछ लोगों ने अपने दुकान पे तराजू में तोलते तोलते ही उसको प्राप्त कर लिया। हर काम करते हुए उसको प्राप्त करना संभव है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी मार्ग से चलते हैं, सगुण की उपासना करते हैं, निर्गुण की करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, समाज सेवा करते हैं, साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब आपके लिए रास्ते बन सकते हैं, मार्ग बन सकते हैं। बस आपकी चाहत होनी चाहिए, तबीयत होनी चाहिए, नीयत सच्ची होनी चाहिए, अभीप्सा सच्ची होनी चाहिए। पहली शर्त है साधक के लिए कि उसकी अभीप्सा होनी चाहिए। अभीप्सा होगी तभी तो अगला कदम उठाएगा। अभीप्सा ही नहीं है यदि सारे काम नींद नींद में कर ले रहे हैं हम, कि चलो गुरुकुल में आ गए, अब यहाँ का तो नियम है, यहाँ व्यायाम भी करना पड़ेगा, यहाँ प्राणायाम भी करना पड़ेगा, यहाँ हवन भी करना पड़ेगा, और मन लग नहीं रहा है उसमें। अभीप्सा है ही नहीं कि इसके माध्यम से कहाँ जा रहा हूं, तो फिर 10-20-50 साल करके भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रोजाना महिलाएं घर का काम किए जा रही हैं, झाड़ू पोछे बर्तन सब किए जा रही हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये ही मेरे जीवन की साधना का मार्ग है, इसको करते हुए ही मुझे उस ब्रह्म को पाना है। तो ऐसा सोचा नहीं, इसलिए वो काम करने में रस आता नहीं है, उसको बर्डन समझते हैं, बर्तनों को तोड़ फोड़ करते हैं, लगता है कि यहाँ से निकल के कहीं जाऊं तो साधना हो। उसको लगता है मैं तो 10-20 साल से ऐसे ही चूल्हा जलाई जा रही हूँ, कपड़े धोए जा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही झाड़ू पोछे में लगी हूँ, झाड़ू लगाते लगाते तो सबरी ने प्राप्त कर लिया। तो जब तक हमारी अभीप्सा नहीं होगी तब तक हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। पहली शर्त है हमारी अनन्य अभीप्सा, जो एक क्षण भी हटे नहीं हमारे चित्त से, वो अभीप्सा। क्योंकि किसी का प्रवचन सुनते हैं, कहीं क्लास में कहीं शास्त्र पढ़ते हैं, तब तो अभीप्सा जागृत हो जाती है, लेकिन वो निरंतर बनी नहीं रहती है, फिर हम भूल जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब हमारी जो अभीप्सा है वो अड़िग नहीं है, अचल नहीं है। अभीप्सा ऐसी चाहिए जो 24 घंटे आपको सोने ना दे। सोने ना दे का मतलब नींद में भी वो अभीप्सा बनी ही रही कि मेरा तो एक एक पल उसके लिए है, जब तक उसको प्राप्त ना कर लूं मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ सकता है, ये अभीप्सा आगे लेके जाएगी। फिर आप कोई भी काम करें वो सब पूजा ही बन जाएगा। तो कितने भी मार्ग हो सकते हैं उसके लिए, कितनी भी प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं, तो उनका भिन्न भिन्न का अब ये वर्णन कर रहे हैं। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत्परा, पहला मार्ग बता रहे हैं कि जो सब कर्मों को मई संन्यास्य, मेरे ऊपर छोड़ करके, मुझ में समर्पण करके, मई मतलब मुझ में, संन्यास्य मतलब समर्पण करके, छोड़ करके, त्याग करके, मत परा जो मेरे परायण हो गए हैं, तो ये ईश्वर प्रणिधान वाली स्थिति है। और अनन्येन एव योगेन, अनन्य योग के द्वारा, ये अनन्य योग भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, इसलिए हर अध्याय में इसके कुछ ना कुछ श्लोक आपको मिलेंगे। अनन्य शरणागति, अनन्य भक्ति, अनन्य साधना, अनन्य शरणागति, ये भिन्न भिन्न शब्द पीछे भी आए हैं ना। अनन्य शरणागति पीछे आया था कि जिसकी और कोई आश्रय नहीं है, और कोई शरण नहीं है, उसको कहेंगे अनन्य शरणागति। यहां भी वही कहा, यहाँ शरणागति शब्द नहीं लिया, अनन्य योगेन, अनन्य योग के द्वारा। अनन्य योग मतलब और कोई उसका सहारा नहीं है, माने एक निष्ठ योग से उसी में जुड़ा हुआ है हमेशा। अनन्य व योगेन माम ध्यायन्त, मेरा ध्यान करते हुए, जिसकी निष्ठा एक जगह है, माँ की निष्ठा बच्चे पे होती है, बच्चे की निष्ठा माँ में होती है, इसलिए बच्चे का ध्यान हमेशा किस पे रहता है, माँ पे रहता है, माँ का ध्यान बच्चे पे रहता है, भक्त की निष्ठा
भगवान में होती है, इसलिए भक्त का ध्यान हमेशा भगवान में लगा रहता है। भगवान का ध्यान भी हमेशा अपने भक्त के ऊपर रहता है, नहीं उसका अहित होने देता है वो।